नौवां क्वेश्चन है, टहनी की वैल्यू हमको दिया है एक बट्टे अंगूठी थी, ये हो जाएगा लघु बट्टे आधा। डायग्राम बनाएंगे, हमको यहाँ बी कोण समकोण दिया है क्वेश्चन में, कोण ए यहाँ दिया है, ए कोण यहाँ लिख रहे हैं ए बी सी, मान लंब बट्टे आधा। पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज एबीसी में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू अंडर रूट तीन, बी सी की एक, तीन और एक चार, ए सी का मान अंडर रूट चार बराबर दो। मान जो हमें चाहिए उसमें जरूरत पड़ेगी हमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो साइन ए की वैल्यू लंब बट्टे कर्ण, ए के लिए लंब हो जाए कर्ण एक बट्टे दो, और कॉस ए आधार बट्टे कर्ण अंडर तीन बट्टे दो, साइन सी और कॉस सी, तो साइन सी सूत्र लंब बट्टे कर्ण, लेकिन सी कोण के लिए जो लंब हो जाएगा ये कर्ण, जिस चीज आप पहले सीख चुके हो अंडर रूट तीन बट्टे दो, और कॉस सी आधार बट्टे कर्ण सी कोण के लिए लंब हो जाए आधा वैल्यू एक बट्टे दो। इसमें हमें दो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इनकी वैल्यू रखेंगे, साइन ए की वैल्यू वन बाई टू इंटू कॉस सी की वैल्यू वन बाई टू, कॉस ए की वैल्यू अंडर रूट तीन बट्टे दो, और साइन सी की वैल्यू अंडर रूट तीन बट्टे दो, एक बट्टे चार, तीन बट्टे चार, चार एलसीएम, एक धन तीन, चार बट्टे चार आंसर आ गया ए। सेकंड क्वेश्चन है जो है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, मान रखेंगे कॉस ए की वैल्यू अंडर रूट तीन बट्टे दो, कॉस सी की वैल्यू एक बट्टे दो, साइन ए की वैल्यू एक बट्टे दो, साइन सी की वैल्यू अंडर रूट तीन बट्टे दो, अंडर रूट तीन बट्टे चार माइनस अंडर रूट तीन बट्टे चार क्रॉस आंसर आ गया जी। इस तरीके से ये नौवां क्वेश्चन आपका सॉल्व।